नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। पिछले 49 सालों से अकोला गार्डन क्लब की ओर से वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन अकोला में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कि हर घर में झाड़ लगाए जाए, इस बार भी भव्य प्रदर्शनी का आयोजन गार्डन क्लब की ओर से खंडेलवाल भवन में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन आज जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा के हाथों किया गया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग शनिवार को पहुंचे, हालांकि अधिक कल रविवार को भी यह प्रदर्शनी रहेगी, जिसका समापन अकोला के SP संदीप घोगे के हाथों के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को देखने और इसका लाभ उठाने विनती आयोजकों से की गई है। अकोला गार्डन क्लब का ये 49वां साल है और 49 साल में हम लोग ये प्रदर्शनी जो आयोजित करते हैं उसको इस साल तो बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा है। बल्कि मैं आपको कहूँ कि अकोला गार्डन क्लब के इतिहास में इस साल सब में ज़्यादा एंट्रीज, जो 850 से ज़्यादा एंट्रीज हमको मिली है, ये एक रिकॉर्ड है। आज तक के इतनी सारी एंट्रीज आई नहीं है। तो मेरी पूरे अकोला वासियों से आह्वान है, अकोला गार्डन क्लब का अध्यक्ष के नाते मेरी आह्वान है कि आप इस प्रदर्शनी का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रदर्शनी को आए, देखें और आप इसका आनंद लें। धन्यवाद। अकोला गार्डन क्लब की तरफ से अकोला वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अकोला वासियों को एक विनंती करूंगा कि खंडेलवाल भवन में दिनांक 7 और 8 को जो अकोला गार्डन क्लब का फ्लावर शो का अरेंजमेंट किया है, जहां पर आपको कम से कम 150 अलग अलग स्पेसीज के गुलाब या तथा अन्य फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये अकोला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप परिवार के साथ और दोस्तों के साथ में यहाँ पर आके इसका लुत्फ लीजिए। नमस्कार। अकोला गार्डन क्लबच्या या भव्य पुष्प वार्षिक पुष्प प्रदर्शनीमध्ये सर्व लोकांनी एक उत्कृष्ट प्रतिसाद आम्हाला दिलेला आहे आणि त्याचा उद्या समारोप आहे आणि हा समारोप आम्ही बक्षीस वितरणाच्या दृष्टीने करणार आहोत। याच्यामध्ये 153 असे आम्ही वेगवेगळे कॅटेगरीजमध्ये बक्षिसं ठेवलेले आहेत। तरी माझी सर्वांना विनंती आहे की उद्या दिनांक 8 तारखेला सर्वांनी बक्षीस वितरणासाठी 5 वाजता या ठिकाणी जमा होते। यहाँ पे 5 से 6 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट्स वगैरह और प्रदर्शन देखने के लिए। इस साल एक खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे तरह के और अलग अलग तरह के वेराइटीज मेरे को आज यहाँ पे मिले, और हर साल यही हम ये करेंगे और अच्छे से कर पाए। इस साल बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा नंबर में यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, पार्टिसिपेंट भी बहुत आए। थैंक यू।